Happy Diwali, everyone! To hold the powers of the sun. Finally, finally, finally! तो आप लोगों ने देख लिया टाइटल और थंबनेल, सीख लिया किस टॉपिक पे आज का ब्लॉग बनने वाला है। तो राइट नाउ इज 10:36 और अभी हम नींद से उठे हैं और अभी नहाएंगे एंड अभी तक चाय या कॉफ़ी कुछ भी नहीं लिया। मेरा ब्रदर इधर मोबाइल परेशान। फटाफट से अभी नहा धो के निकलते अपना मॉन्स्टर लेने। चलो मस्त गर्मा गर्म पानी से नहा के और गरम गरम कॉफी का मजा लेते हुए हम यहाँ पे। आप लोग को बता दूं कि ये जो बाइक है ये कोई सपना नहीं है, मेरा एक सोच है। इसका स्टोरी आगे चलते चलते बताएंगे। शॉर्ट में बताऊं तो एक महीना पहले सोचा और आज आ रही है, बस इतना ही छोटा सा। यस, तो अभी हम निकल चुके हैं, ऑन द वे है। माय नेम इज जिमी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिमीज ब्लॉग। जो भी लोग मेरे को पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं कि मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूं और मैं हूं मालेगांव नासिक से। ये काले हंस रहा है, हम इतने लोग जा रहे हैं और ये जो गिम्बल मेरे को यूज़ करते नहीं आता, इसलिए थोड़ा पकड़ के रखा हूँ। तो चलो मिलते हैं अभी डायरेक्ट शोरूम पे। बहुत देर हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं शोरूम, जो कि यहाँ से बस 2 मिनट की दूरी पे है शायद, या फिर राइट साइड में। ये देखो आ गया, बहुत सही बहुत सही। कंप्लीट हमको 1.5 घंटा लग गया इधर पहुँचते पहुँचते। ये जो 2-3 जन जो देख रहे पीछे, इनकी वजह से टाइम हुआ है। और ये जो हाल है बालों का, जो हालत है ये चीज़ नहीं की हेलमेट, तो इसको देखो मत। और उधर रहा अपना बाइक, इधर गया थे बाइक। तो यहाँ पे सब पेपर वर्क जो है वो हो गया है और यहाँ पे कुछ दोस्त मिल गए जिन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया है। तो और जैसे कि बाइक दिखा दिया आपको, उसका ऑपरेशन आगे चल के दिखाते हैं। अभी ऐसा है कि गाड़ी हमने निकाला तो सही, थोड़ी दूर गए एंड जो स्पीडोमीटर है उस पर कुछ आ नहीं रहा था, 0 पे था। तो वो अभी जो भी सेंसर है गाड़ी के वो थोड़े कुछ कर रहे हैं उनके हिसाब से। तो अभी देखते हैं क्या होता है, नहीं तो पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। और जैसे कि आप लोग को बोला, इसका कुछ मीटर का सीन था, 0 पे दिखा रहा था, अभी उन्होंने किया वो सेंसर वगैरह का, अभी दिखा रहा है मीटर। अभी हम निकलेंगे, देखो आप 5-8। और सब लोग को ना भूख लग गई जोर से, सुबह से कुछ खाया नहीं, खास करके इस हरामी को भूख लग गया। देखो तिरछी नज़र वाला, तेरा मुंह काला, ये काला। फटाफट से दिख लेंगे
एंड इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लीन हो के चलाना पड़ता है। आदत नहीं है, अभी आदत डालना पड़ेगा। एंड पहले जैसे कि आप लोग को बोला मैं कि ये जो बाइक है ये मेरा ड्रीम बाइक तो बिल्कुल नहीं है, एक मेरी सोच है जो मैंने एक महीना पहले सोचा, और उसका भी सीन बताता हूँ। हुआ ये कि हमने मोटो ब्लॉगिंग चालू किया और ये देखो शूट कर किया जा रहा है बहुत सही। मोटो ब्लॉगिंग चालू किया और मोटो ब्लॉगिंग में मेरे पास था पहला पल्सर 150, तो उसमें मेरे को इतना मज़ा नहीं आया मोटो ब्लॉगिंग के लिए। मैंने सोचा कि कुछ अच्छा बाइक चाहिए, 2 लाख के अंदर बाहर जो है ना, मेरे को अच्छा बाइक चाहिए, बजट फ्रेंडली। और ऐसे ही इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते मैंने एक बाइक का फ़ोटो देखा, R15 था ये, मेरे को मालूम नहीं था, पर थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ बाइक था वो, ठीक है। तो हितेश जो आप पहचानोगे आगे, उसको मैंने वो फ़ोटो दिखाया कि भाई ये बाइक देख कौन सा है। तो उसने बाइक देखा तो उसने बोला कि ये मेरे को फ़ोटो भेज, मैंने स्क्रीनशॉट निकाला उसको फ़ोटो भेजा, तो उसने PC में इमेज सर्च किया तो आया R15। तो उसने मेरे को तभी फ़ोटो दिखाया, तब मेरे दिमाग में नहीं था कि ये बाइक लेना है, ठीक है, मालूम भी नहीं था कि R15। तो मैंने उसको देखा और थोड़ा सर्च वगैरह किया, और ये आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले का बात है, ठीक है। 1.5 महीना पहले मैंने ये बाइक सोचा कि 1 महीने बाद लेना है, मैंने टारगेट डिसाइड किया कि कब लेना है। मेरे को लेना है ये तो मालूम था, लेकिन 1 साल 2 साल इतना नहीं, कैसे लेना है क्या लेना है वो नहीं सोचा, बस 1 महीने में बाइक चाहिए, खेल खलास। और आज फाइनली R15 V3। और ये बाइक का मेरे को इतना एक्साइटमेंट नहीं है जितना मैं व्लॉग कर रहा हूँ इस पर उसका एक्साइटमेंट है। और देखो यहाँ पे वीडियो शूट किया जा रहा है और मज़ा आ रहा है बहुत। जो आवाज़ है वॉइस क्वालिटी उसका प्लीज़ यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, मेरे पास अच्छा व्लॉगिंग सेटअप नहीं है, जो भी है वो दोस्त लोग की मेहरबानी है मेरे ऊपर, मेरे दोस्त बहुत प्यारे है, कोई भी चीज़ को नाने बोलते, और जो बेटा है वो मेरा भाई है छोटा, उसके आगे उसका फ्रेंड बेटा है, एंड उसके पास पल्सर 125 है जो अभी लिया था। और ये बाइक ने मेरे को इतना घुमाया है दोस्तों कि क्या बताऊँ। सीन ऐसा हुआ कि मैंने ये बाइक पहले मालेगांव में बुक किया जो कि मेरा सिटी है, ठीक है, वहाँ पे मैंने बाइक बुक किया, तो वहाँ पे उनके पास कलर अवेलेबल नहीं था, ये उन्होंने मेरे को बुकिंग के 8-10 दिन बाद बताया, ठीक है। तो मेरे को चाहिए था दिवाली के दिन, मतलब आज के दिन बाइक चाहिए था, तो मैंने 1 या 3 तारीख को, ठीक से मुझे याद नहीं, उधर से बुकिंग कैंसिल करके मालेगांव से मैंने सटाना में बुकिंग किया, और सटाना में बुकिंग करने के बाद फाइनली मेरे को ये बाइक मिल गया। तो मज़ा आ रहा है इसको चलाते हुए, और इससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए। एंड जो भी यार चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, पहली बार मेरे को देख रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना, और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। Like you, be strong, to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Thank you.
function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker.